हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुरदीप एंड वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चर क्लासेस। टुडे वी विल सी सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर। आज हम ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे जो कि हम एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। सो जब हम एग्रीकल्चर की स्टडी करते हैं और जब हम उसकी लेबोरेटरीज में काम करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसकी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और टेस्टिंग करने के लिए हमारे जो एग्रीकल्चर के अंडर में बहुत सारे प्रोसेस आती हैं जो कि हम प्रोडक्शन को मेज़र कर सकते हैं, ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, कितना हमारा रेनफॉल हो रहा है वो मेज़र कर सकते हैं, जितने भी हमारे इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं तो उसकी हमको स्टडी करना ज़रूरी है। तो अपना इकोसिस्टम क्या है? कोई भी सिस्टम जिसमें कि हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को मिलाते हैं और उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो बायोटिक फैक्टर कौन से हो गए और एबायोटिक फैक्टर कौन से हो गए? जो कि जैविक और अजैविक तत्व दोनों को मिला के जो भी हमारा सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर भी हमारा एक इकोसिस्टम है जिसमें कि हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को मिक्स करते हैं। बायोटिक फैक्टर कैसे हो गए? हमारे प्लांट्स हो गए, पेस्ट हो गए, जितने भी हमारे जो जैविक तत्व हैं वो सब बायोटिक फैक्टर हैं। और जितने भी एबायोटिक फैक्टर जो अजैविक है, जैसे एयर हो गया, वाटर, सनलाइट, ये जितने भी हमारे जो फैक्टर्स हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों को जब हम दोनों की स्टडी करते हैं तो उन सब की ग्रोथ के बारे में या उनमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, हमको कितना रेनफॉल मिल रहा है, कितनी हमारी विंड स्पीड है, कितना हमारा उसका डेंसिटी है, कितनी उसकी प्रेशर है, तो इन सब की स्टडी करने के लिए हमको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो मेनली जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे जो मेन एग्रीकल्चर के यूज़ में जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मैंने उन सब की लिस्ट तैयार की है। उसमें सबसे पहले है लेसीमीटर। ये क्या करता है? वाटर लॉस फ्रॉम सॉयल। तो ये कितना हमारा वाटर लॉस हो रहा है, मीन्स मॉइस्चर कितना लॉस हो रहा है फ्रॉम सॉयल एंड प्लांट, तो वो हम लेसीमीटर से डिटरमाइन करते हैं, लेसीमीटर से फाइंड करते हैं। रेन गेज हमको रेनफॉल का अमाउंट मेजर करने के काम आता है। इसके बाद एनीमोमीटर है, ये यूज फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड, हमारी हवा कितनी तेज बह रही है उसको मेजर करने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है लैक्टोमीटर, हम मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर है एरोमीटर। एरोमीटर हम किसी भी सब्सटेंस की वेट एंड डेंसिटी ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर है बैरोमीटर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ भी ऑटोमेटिक प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, लेकिन ये हमको एक ग्राफ के रूप में एक इसका वेरिएशन दे देता है कि हमको कितना वेरी हमारा टाइम के साथ में कैसे कैसे प्रेशर वेरी कर रहा है। हमको एक ग्राफ ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम है जो कि हमको बता देगा कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, या जहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करना चाहें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या किसी लिक्विड का प्रेशर हो और एयर का प्रेशर हो, कहीं पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो क्रेस्कोग्राफ है इसका यूज हम प्लांट्स की ग्रोथ को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, मीन्स कि हमारे पर यूनिट टाइम कितना प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है। अगर हम ये चाहें कि ये कोई प्लांट है एक ओवर में कितना उसका ग्रोथ हुआ है, एक दिन में कितना ग्रोथ हुआ है, या उसकी कितनी लेंथ बढ़ी है, तो उसका ग्रोथ रेट के बारे में हम इसमें पता करते हैं क्रेस्कोग्राफ मीटर से। नेक्स्ट इज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम इस्तेमाल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ज्ञात करने के लिए करते हैं, मीन्स कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। और अगर हमको वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल गई तो हम दूसरों की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एटमोसफेयर फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इन सब के बारे में, इनकी डिटेलिंग क्या है और कैसे कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट इज लाइसीमीटर, ये हमको वाटर लॉस के बारे में बताता है। तो एक तो हमारा दो टर्म्स आती हैं वाटर लॉस के बारे में, एक आता हमारा इवापोरेशन और सेकंड आता है इवापोट्रांसपरेशन, और नेक्स्ट टर्म आती है हमारी ट्रांसपरेशन। तो इन तीनों का मतलब हम पहले जान लेंगे क्या क्या होता है। इवापोरेशन इज जस्ट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एनीथिंग, कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर टू द गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो ये इवापोरेशन कहीं भी हो सकता है। ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स और क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स में से वाटर लॉस होता है उसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं। तो जब हम इवापोरेशन और ट्रांसपरेशन को मिक्स कर देते हैं, मीन्स कि
जब इवापोरेशन और ट्रांसपरेशन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम इवापोट्रांसपरेशन कहते हैं या ईटी कहते हैं। इवापोट्रांसपरेशन को मेजर करने के लिए मीन्स टोटल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ए इकोसिस्टम इज मेजर्ड बाय लाइसीमीटर। मैंने बोला इकोसिस्टम, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, कुछ इसमें बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, तो ये एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है। तो इसमें देखो हमको प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें बहुत सारे हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हों, माइक्रोब्स हों, पेस्ट हों, इंसेक्ट्स हों, तो ये सब तो बायोटिक फैक्टर्स है। अबायोटिक फैक्टर्स क्या है? वी कैन सी वाटर इज स्प्रेड ओवर द क्रॉप, वाटर हम इसको दे रहे हैं और सनलाइट भी आ रही है और विंड भी आ रही है, तो इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और ये इकोसिस्टम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाटर हमारा जो यहाँ पे सॉयल सरफेस होगी एक्सपोज टू द सनलाइट, दैट विल ऑल्सो लॉसिंग सम वाटर। प्लांट्स विच आर एक्सपोज टू द सन, दे आर ऑल्सो लॉसिंग द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपरेशन, एंड द सॉइल इज लॉसिंग द फॉर्म ऑफ इवापोरेशन। वेन वी स्टडी बोथ साइमल्टेनियसली दैट इज कॉल्ड इवापो ट्रांसपरेशन। तो जो इस इवापो ट्रांसपरेशन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो लाइसीमीटर है। और जब वाटर लॉस हमारा जब मेजर करते हैं तो ये लाइसीमीटर जो होता है इसमें सेम क्रॉप ही उगाई जाती है और ये फील्ड में ही रखा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई सिमिलर क्रॉप का क्रॉप शो की है, तो जो क्रॉप यहाँ पे साइड में शो की है वही हमने यहाँ पे शो की है, जिससे कि हमको पता चल सके कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना वाटर लॉस हो रहा है। तो हम जितना इसमें वाटर डालते हैं और कितना हमारा पहले था, तो जब हम दोनों का डिफरेंस करते हैं कि हमने इतना वाटर ऐड किया इतने टाइम में, तो हमको इतना इसका इवापो ट्रांसपरेशन हुआ है इस एरिया से। तो ऐसे हम इसमें लाइसीमीटर का इस्तेमाल करते हैं कि वाटर लॉस कितना है इवापो ट्रांसपरेशन के रूप में किसी एक पर्टिकुलर एरिया से। देन नेक्स्ट टर्म इज रेन गेज। तो रेन गेज क्या है? रेन गेज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमको रेनफॉल का अमाउंट ज्ञात करने के लिए करते हैं कि इन पर्टिकुलर एरिया हाउ मच अमाउंट ऑफ रेन इज फॉल। ये जो रेनफॉल है वो हम कैसे मेजर करते हैं? ये हम सेंटीमीटर की हाइट में या एमएम की हाइट में मेजर करते हैं। तो ये जो रेन गेज है वो दो तीन तरह के होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं उसमें एक, जैसे ये फिगर में दिखाया गया ये रिकॉर्डिंग टाइप है, तो इसमें एक पेन ग्राफ ड्रम रहता है, उसके ऊपर ग्राफ लगा हुआ रहता है। तो जैसे जैसे हम इसमें रेनफॉल होता है और इसका वाटर लेवल बढ़ता है, तो ये जो ग्राफ है इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये ग्राफ ऊपर होता है। तो जैसे जैसे ऊपर होता है तो हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ता जाता है, तो जैसे और ये टाइम के साथ में रोटेट भी करता है ड्रम। तो हम जब इसका ऐसे इस तरह से हमको ग्राफ मिलता है, जब ड्रम रोटेट करेगा तो इसका ग्राफ ऐसे चारों तरफ से ऐसे मिल जाएगा, और जैसे ही जब ये फुल हो जाएगा तो हम इसको एम्प्टी कर देंगे, तो फिर से ये नीचे ग्राफ आ जाएगा और फिर से यहाँ से पेन रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से इसका रिकॉर्डिंग टाइप का हमारा ऐसे इसे इस तरह से ग्राफ आता है, जब फुल होता है फिर नीचे आके फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे हमारा ग्राफ रेनफॉल का हमको पता चलता है कितना हमने रेनफॉल हुआ है। तो ये यूज है रेन गेज का। तो जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं उसमें सिर्फ हमको ये पता चलता है कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है, और इसमें हमको ये भी पता चलता है कितने टाइम में कितना हुआ है, कब हमारा स्टॉप हो गया। अगर हमारा स्टॉप हो जाता है, अगर सपोज हमारा रेनफॉल हो रहा है इतना रेनफॉल हुआ उसके बाद स्टॉप हो गया, तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, मीन्स कि इतना रेनफॉल होने के बाद हमारा स्टॉप हो गया। अगर फिर से रेन स्टार्ट हो गया तो फिर से हमारा ऐसे ही हो जाएगा, और जब भी स्टॉप हो जाएगा फिर से कॉन्स्टेंट ग्राफ हमको मिलने लग जाएगा। तो इस तरह से हम रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इस्तेमाल करते हैं रेनफॉल का अमाउंट पता करने के लिए। देन नेक्स्ट इज एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड, मीन्स कि कितनी हमारी विंड जो बह रही है उसकी स्पीड क्या है, तो उसको पता करने के लिए हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एनीमोमीटर बहुत तरह के होते हैं, जैसे कप टाइप होता है, प्रोपेल टाइप होता है, अल्ट्रासोनिक टाइप होता है, सोनिक टाइप होता है, लिदार टाइप है, हमारे बहुत तरह के विंड एनीमोमीटर होते हैं विंड स्पीड मेजर करने के लिए। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमारा ये विंड के कप्स लगे हुए हैं, तो इसमें जब विंड फ्लो होती है तो इससे ये कप रोटेट करते हैं। तो कप रोटेट करने से क्या होता है कि हमने एक नीचे छोटा जनरेटर लगाया होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होते हैं। तो जो जब इसको रोटेट करेंगे और इसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होंगे, तो हम उसका कैलिब्रेशन कर लेते हैं कि अगर इतना हमको पल्स मिल रहा है तो इससे हमको इतना स्पीड मिल या इतनी विंड की स्पीड है। तो जो कैलिब्रेशन ग्राफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी सहायता से हम पता कर लेते हैं कि हमारा अगर सपोज 0.01 वोल्ट वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही है। और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इट मे नॉट बी करेक्ट, मीन्स कि हम उसके उसमें वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना उसका स्पीड है, दोनों में ग्राफ बना के
हम पता कर लेते हैं कैलिब्रेट करके। और जो कैलिब्रेशन चार्ट हमको पहले से प्रोवाइड किए जाते हैं, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर क्या है? लैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मिल्क की डेंसिटी को मेजर करता है। तो मिल्क की डेंसिटी को हम मेजर क्यों करते हैं? हम मिल्क की डेंसिटी को मेजर करते हैं उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए। मींस कि इफ वाटर इज एडेड टू द मिल्क देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी और वी कैन से डेंसिटी ऑफ द मिल्क विल बी रिड्यूस्ड। तो जब मिल्क की डेंसिटी रिड्यूस हो गई तो उसको हमको डेंसिटी होना चाहिए और हमको कितना मिल रहा है। तो जब हम अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको उसका सही नहीं मिला तो हम पता कर लग जाएगा कि उसका जो मिल्क में मिलावट किया गया है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क दैट शुड बी देयर इट इज इक्वल टू 1 प्लस CLR। CLR मीन्स करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग बाय 1000। तो इस फॉर्मूले से हम पता करते हैं कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ रही है। और हमको पता है कि मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है। और हमको ये भी पता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है। तो जिस टेम्परेचर पे हम मेजर कर रहे हैं उस टेम्परेचर पे क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए और वाटर की मिलावट होने से क्या आ रही है। तो दोनों में हमको डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम पता कर सकते हैं कितनी हमारी मिल्क की शुद्धता है। एरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम वेट और डेंसिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका भी सिंपल यूज है, हम इसमें वेट और डेंसिटी मेजर करने के लिए काम आता है। तो जब हम इसमें हमारा सैंपल डालते हैं और सैंपल डालने के बाद जब हम इसको डिप करते हैं तो एक सर्टेन लेवल पे जाके रुक जाता है। अगर ये सर्टेन लेवल पे जाके रुक जाता है, जो इसका लेवल बताया गया है कि इस मेटल का इतना होना चाहिए, हमको पता चलता है इतनी वेट एंड डेंसिटी है। नेक्स्ट इज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेजर करने की जरूरत पड़ती है जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक फ्लूड भरा होता है, कोई भी हम फ्लूड भर सकते हैं जिसकी हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी नोन हो। उसके बाद जब हम इसमें एक वेंचुरी लगा रहा, ये बहुत तरह के यूट्यूब आता है और भी कई तरह के हमारे बैरोमीटर या मैनोमीटर आते हैं। तो इसके इस्तेमाल से हम प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। या इसमें लिक्विड जैसे हम पारा या जिसको हम मरकरी कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ क्या है? ऑटोमेटिक मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन द प्रेशर। तो एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑटोमेटिक चेंज इन प्रेशर मेजर करता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा रेन गेज रिकॉर्डिंग में था कि कैसे हम रेन गेज का ग्राफ मेजर करते हैं। इसमें भी सेम एक रोटेटिंग ड्रम लगा हुआ है, इसमें एक पैन लगा हुआ है कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पे इसका प्रेशर सेंसर लगा हुआ होगा जो कि प्रेशर को मेजर करता है। मैनोमीटर हो सकता है, जो भी इसमें यूज किया गया है, हो सकता है डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो उसका इस्तेमाल करके हम इसमें इसके पेन से इसको सिमिलर ग्राफ मिलता है कि कितना टाइम पे क्या प्रेशर हमारा मेजर किया गया है। इस ग्राफ के फॉर्म में हम पता कर सकते हैं कि हमारे इस टाइम पे इतना है, इसमें मंथ 1 आवर 2 3 ऐसे 24 आवर्स होंगे और इसमें हमारा प्रेशर होगा। कि अगर हम पता करें कि सुबह 10 बजे इतना प्रेशर था, रात को 11 बजे ये प्रेशर था, तो हम टाइम के साथ में ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कितने पे हमारा क्या प्रेशर था। और जो दोपहर को 12 बजे मेजर किया और रात को 12 बजे मेजर किया, उस दोनों के प्रेशर डिफरेंस क्या है, कितना कितना अंतर आया, तो ये सब हम पता कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक मेजरिंग ऑफ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से। क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम किसी टाइम पे कितना प्लांट का ग्रोथ हुआ इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो इसकी जो खोज थी जो 20th सेंचुरी में सर जगदीश चंद्र बोस ने की थी 20th सेंचुरी में, तो इसमें इन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया था कि जिससे हमको कि पता चल सकता था कि इस प्लांट में इतने टाइम में इतनी ग्रोथ हुआ है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे स्केल्स और जिसमें बहुत ही फाइन मैग्निफिकेशन होता था कि अगर वो 0.0001 mm भी उसका मोशन होता है या मूवमेंट होता है, फिर ग्रोथ होती है, तो वो भी उसको मैग्नीफाई करके स्केल में दिखा देता था कि इतना हमारे साथ ग्रोथ हुआ है। तो इसमें बहुत छोटे टाइम के लिए भी निकाल सकते थे कि ग्रोथ हुआ है। तो इस तरह से क्रेस्कोग्राफ का यूज हम प्लांट की ग्रोथ के मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम किसी दूसरे लिक्विड की भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं कि इसमें इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर।
तो हाइग्रोमीटर ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एटमोसफेयर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मीन्स हाउ मच इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर प्रेजेंट, मीन्स वाटर कंटेंट और मॉइस्चर अवेलेबल इन द एयर, दैट इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। तो ये मॉइस्चर दो तरह का हो सकता है, ये तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो सकती है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकती है, तो दोनों ही तरह की हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में कितनी हमारी ह्यूमिडिटी और एयर कंटेंट है। सपोज हमारा एयर का ये बॉक्स है 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब में हमारी कितनी परसेंट ऑफ एयर इज अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। मीन्स कि अगर इसमें 30% मॉइस्चर है, तो इसका मतलब है कि इसमें 30% उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर टू द मैक्सिमम मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर दैट कैन होल्ड। मीन्स कि ये रिलेटिव किसके है, कि जो एटमोसफेयर में मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम होल्ड करने की इसकी कितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के रिलेटिव में कितना हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। सपोज कि मॉइस्चर 70% होल्ड कर सकता है और हमारी उसके रिलेटिव में 40% है, तो हमारी दोनों का रिलेटिव जो निकलेगी वो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थे जो आज हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर में और इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी वर्किंग क्या है। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टी है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। आप अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर देते रहें कि इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लेक्चर्स में वो आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।